हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में कुछ बाहरी लोग हैं या कुछ फैमिली के मेंबर हों जिनकी ऐसा है कि दखलंदाजी रहती है। जो लोग ऐसा है कि आप दोनों को साथ रिश्ते में मतलब देख नहीं सकते, कह दीजिए साथ आप दोनों को नहीं देख सकते। वो कुछ लोग आप दोनों के बीच हैं जो आप दोनों को अलग करना चाहते थे, और अभी भी हो सकता है कि कुछ ऐसे ही लोग हैं जो आप लोगों को साथ आने नहीं दे रहे हैं। तो आप दोनों का जो रिश्ता है, ये जो इसमें परेशानी है, यहाँ पर नो कांटेक्ट दिखाई देता है, सेपरेट आप लोग हो चुके हैं, तो इसकी वजह यही है, दूसरे लोग हैं, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और आपके पर्सन का ये हाल है कि उनको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, वो इन सब की वजह से कोई निर्णय नहीं ले पाते आपके लिए। और आप दोनों का जो प्यार है ना, इसको देखकर बहुत ज़्यादा जेलिस होते हैं। यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो, या जो भी लोग हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा जेलिस होते हैं। अब देखिए, आपके पर्सन दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये सब की वजह से क्या हो रहा है कि ये ऐसा है कि दूसरों की सुनते तो हैं, दूसरे क्या कहेंगे क्या सोचेंगे ये इनके दिमाग में चलता तो है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन खुद के दिमाग से कोई काम कर नहीं रहे हैं। इनको ऐसा है कि इनको अपनी खुशी का ध्यान रखना चाहिए, इनको दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और इनको पता है कि आपके साथ खुश रह पाते हैं, आपका साथ इनको चाहिए। लेकिन ये क्या है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से ऐसा है कि इनको लगता है आपसे दूर रहने में ही भलाई है। तो अभी ऐसा है कि अब ये अलग तो हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है गाइस इन दिनों आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, इसकी वजह से भी ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको सामने से कॉल मैसेज करो। जब से आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं, और 24 घंटे इस इंसान के दिमाग में यही बात चलती है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है, जिसकी वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। और आपके बिना ये कंप्लीट फील नहीं करते हैं, आपके साथ होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, कह दीजिए तो जो भी इनकी परेशानियां हैं सब कुछ ये भूल जाते हैं। और ऐसा होता है कि बच्चों की तरह, ये इंसान की एज जो भी हो, इनको ऐसा लगता है ये एक बच्चे हैं। और देखिए, दूरियाँ तो हैं लेकिन दिन ब दिन आपके पर्सन का प्यार बढ़ता जा रहा है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अभी आप इनसे अलग हैं, तो हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनसे आप अपने जो भी पर्सनल लाइफ में चलता है वो बता पाते हैं। तो ऐसा है कि इनको लगता है कि आप उन लोगों से इनके बारे में बात करते हो कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया वैसा किया और अभी आपसे अलग हो गए हैं। तो ये सब इनको लगता है कि आप ऐसे दूसरों को बताते हो, और ये सब इनको पसंद नहीं है। इनको लगता है कि वो दूसरों की वजह से ही रिश्ता ख़राब हो रहा है। आप दूसरों से सलाह ले रहे हो, उनको बताते हो अपनी बात, इसकी वजह से ये इस रिश्ते में परेशानी आ रही है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको इन्हें पूरा करना है, और इसकी वजह से ये इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और ऐसा पास्ट में जब भी आपके साथ रिश्ते में थे तो इन्होंने आपसे कहा भी होगा कि ये जॉब वगैरह में या अपने मतलब घर में ऐसा है कि ये ज़िम्मेदार इंसान है, तो इसीलिए इन पर सारी जिम्मेदारियाँ ऐसा है कि आ गई हैं, सबको लेकर ये साथ चल रहे हैं और सबकी जिम्मेदारी इन्हीं पर है, ऐसा भी दिखाई देता है। चाहे ये अपने परिवार के बड़े हैं नहीं हैं, फिर भी सारी जिम्मेदारियाँ इन पर हैं। तो इस वजह से इन्होंने आपको बताया भी होगा कि ऐसा ऐसा है, इसलिए आपको वक्त नहीं दे पाते, इसलिए ये ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं।
तो उस टाइम पर आप ये सब समझते भी थे, जो ये आपको बताते थे कि इनके पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप समझते थे, लेकिन अब आप नहीं समझते ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। छोटी छोटी बात पर आप नाराज़ हो जाते हो, या अगर आपको वक्त नहीं देते तो इसके लिए भी आप शिकायत करते हो, तो अब इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, पहले आप ऐसे नहीं थे। तो इनको ये लगता है गाइस कि दूसरे तो इनके साथ ऐसा करते ही हैं, अब आप भी इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, जबकि इन्होंने ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे छोटी छोटी बात पर नाराज़ होंगे, शिकायत करने लगेंगे, लेकिन अब आप भी दूसरों की ही तरह करते हैं। तो ये इस बात से ये बहुत ज़्यादा ऐसा है कि दुखी होते हैं। और ऐसा है गाइस कि आने वाले टाइम में यहाँ पर ये है कि जिस तरह अभी बातचीत बंद है, तो बातचीत हो सकती है आपकी, आपके पर्सन से यहाँ पर ऐसा है कि रीयूनाइट होते हुए आप नज़र आते हैं। और बहुत से लोगों के लिए ऐसा ही है गाइस कि आपके पर्सन का आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, ये आपसे एक चांस मांग सकते हैं, कहेंगे ये आपसे कि आप इनको एक और मौका दीजिए, ये अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे और जो भी इनसे गलती हुई है इसको ये सुधारेंगे। और ऐसा है गाइस कि यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। और देखिए, हो सकता है ये इंसान किसी और के साथ मैरिड हैं या कहीं और एंगेज्ड हैं, तो ऐसा है कि इनको लगता है कि उस रिश्ते को ये छोड़ नहीं सकते, आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते, ऐसा इनको लगता है। लेकिन इनको ये समझ में आता है कि आप इनके सोलमेट हो, तो इस वजह से ये इंसान चाहते हैं कि भले ये थर्ड पार्टी में भी होंगे, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं आपसे बात करना, फिर भी ये चाहते हैं कि आपसे एक मौका और मिल जाए, तो चीज़ें सही हो जाए, जो आपके साथ वो जो रिश्ता ख़राब हुआ है वो सही हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट वाली स्थिति कई बार बनी है, कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी वजह से आपके लड़ाई झगड़े हो गए, किसी कारण से आपकी बातचीत बंद हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद आप लोग बातचीत करने लगते हैं। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि सेपरेशन लंबा चला है, लंबे समय से आप दोनों अलग हैं, कोई बातचीत नहीं है, ऐसा अभी हुआ है। और हर बार यही हुआ होगा गाइस कि आप ही झुकते हैं, आप ही किसी तरह से इस रिश्ते को सही करने के लिए प्रयास करते हैं, और रिश्ता सही होता भी था, लेकिन इस बार आपने भी प्रयास करना छोड़ दिया। और इस बार ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं आप में बदलाव देखकर, अभी बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, परेशान दिखाई देते हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन भी टैरो रीडिंग्स वगैरह में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, या फिर मैनिफेस्ट वगैरह कैसे किया जाता है ये सब भी, ये आप ऐसा ही यूट्यूब पर सर्च करते हैं और जानना चाहते हैं कि अपने पार्टनर को वापस कैसे लाएं अपनी ज़िंदगी में, ये सारी वीडियोस ये अब देखने लगे हैं। तो अभी तो ऐसा ही है गाइस कि बहुत जल्द ही इनका कॉल या मैसेज आपको मिल सकता है, या फिर ये खुद मिलने के लिए भी आ सकते हैं, ऐसा भी है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू।